ये ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइडर एक जरूरतमंद लड़की को स्कैम कर रहा है। लेट्स लिसन। आप हमें एड्रेस बताएंगे, हम आ जाएंगे। नहीं मिलेगा आपको, फोन तोड़ दो, घर बैठे मिलेगा, डिलीवर किया जाता है। क्यों नहीं मिलेगा सर, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है? नहीं है मेरे पास, फोन तोड़ दो। अच्छा, डर गए आप? मैं बता रही हूँ, हमको, हमने पुलिस को कम्प्लेन किया है, हम आपको जरूर जेल में डालेंगे, आप देख लीजिए। उसे कन्फ्रंट करने पर ये बंदा अपनी लोकेशन नहीं देता, अपना जीएसटी नंबर नहीं बताता, यहाँ तक ये भी कह देता है कि आपका पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर दिल्ली में है और अपना नाम सचिन बताता है। ये नाम सच है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि इस बंदे ने एटलीस्ट 24 लोगों को ऐसे ही स्कैम किया है और 4.5 लाख से ज्यादा पैसा लूटा। इतना ही नहीं, एक लड़की के नाना जी की जान भी चली गई क्योंकि ये स्कैमर कहता रहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है, फोटोज भी भेजे, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन पेशेंट तक कभी पहुंचा ही नहीं। कोविड के साथ साथ भारत के लोगों को एक और चीज से लड़ना पड़ रहा है और वो है ये कोविड स्कैम्स। आपके डर का और आपकी सिचुएशन का इस्तेमाल करके आपका डेटा और पैसा दोनों चोरी हो रहा है। तो इन स्कैम से कैसे बचे, सोल्यूशन क्या है? प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और ऐसे स्कैम से अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक आसान भाषा में वीडियो बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। वैक्सीन के स्लॉट्स मिलना मुश्किल है, लोगों को OTP नहीं आ रहा और पिछले कुछ हफ्तों से इस बात पर कई सारे मीम्स बन रहे हैं। स्कैमर्स इस बात का फायदा उठा रहे हैं। आपको एक फोन आता है, फोन करने वाला कहता है कि वो आपको घर पर आकर वैक्सीन लगवा देगा। इस स्कैमर के पास आपका नंबर और नाम ऑलरेडी होता है और आजकल हमारे सारे फोन नंबर्स हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं। फिर आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाता है और फिर एक OTP आता है। ये OTP स्कैमर को देने पर वो आपके बैंक से पैसा चुरा लेता है। पिछले एक साल में 120 मिलियन यानी 12 करोड़ लोग ऐसे स्कैम्स के शिकार बने हैं। साइबर क्रिमिनल्स लिटरली ओवर टाइम काम कर रहे हैं क्योंकि जब लोग डरे हुए होते हैं तभी उनका गोल्डन पीरियड शुरू होता है। कई लोग टेंशन में, नेगेटिव न्यूज हर जगह देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि करना क्या। ऐसे सिचुएशन में हम में से स्मार्ट लोग भी बेवकूफ बन सकते हैं, तो सोल्यूशन क्या है? वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट्स के लिए फिलहाल कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप, ये तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोर्सेज हैं, अपॉइंटमेंट्स वहीं से लीजिए। बाकी कोई टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन मत कीजिए, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स जेन्युइन भी हो सकते हैं बट इट्स अ रिस्क एंड आई डोंट थिंक यू शुड टेक इट। रेमडेसिविर जैसी दवाइयां सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में मिलती है लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है और स्कैम्स भी। बेड्स, ऑक्सीजन और प्लाज्मा के डिमांड्स लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और बहुत लोगों को इससे हेल्प भी मिली। लेकिन इन स्कैमर्स ने जरूरतमंद लोगों के नंबर्स चुराए, उन्हें कांटेक्ट किया और कहा कि एडवांस पेमेंट करने पर ही दवाइयां मिलेंगी और पैसे देने के बाद चीजें मिली ही नहीं, अचानक से आउट ऑफ स्टॉक हो गए। लेकिन सोल्यूशन है, COV.social इस वेबसाइट पर जाइए और जो कॉन्टैक्ट आपको दवा या ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है वो कॉन्टैक्ट यहाँ पर टाइप कीजिए। इन लोगों ने ऑलरेडी 450 से ज्यादा स्कैमर्स को आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो आप वो डेटा इन्हें प्रोवाइड भी कर सकते हैं। लॉयर्स अगेंस्ट कोविड फ्रॉड से कैसा लॉयर्स का ग्रुप है जहां भारत के ऑलमोस्ट हर स्टेट से टोटल 100 से ज्यादा लॉयर्स एक साथ आए हैं जो आपको ऐसे स्कैमर्स के अगेंस्ट केस करने में हेल्प कर सकते हैं। ओवरऑल एडवांस पेमेंट करना अवॉइड कीजिए, अगर वो अवॉइड नहीं हो सकता तो खुद लोकेशन पर जाइए और सेलर के पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लीजिए, उनसे प्रॉपर इनवॉइस लीजिए। अगला इंसिडेंस एक स्कैम नहीं लेकिन एक और सीरियस कंसर्न रेज करता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स कोविड के शिकार हो गए, ऐसे ही एक लड़की का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए इंटेंशन तो अच्छा ही लगता है लेकिन इस बात का गलत इस्तेमाल चाइल्ड ट्रैफिकर्स कर सकते हैं, उन बच्चों को इलीगली अडॉप्ट करके गलत कामों में लगा सकते हैं और उनकी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। हमारे भारत में एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसे फॉलो करके ही बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है। एक हॉटलाइन नंबर है 1098 जिस पर कॉल करके आप सही गाइडेंस ले सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसके फैमिली मेंबर्स गुजर गए और कोई गार्डियन नहीं है तो सही प्रोसीजर फॉलो कीजिए, डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए क्योंकि ये करना भी इलीगल है। इन स्कैमर्स ने सिर्फ भारत में ही नहीं इंटरनेशनली भी लोगों को स्कैम करना और भारत की इमेज खराब करना शुरू किया। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने कुछ ही दिनों पहले ये रिपोर्ट किया, कोई इंडियन बंदे की डिस्प्ले पिक्चर लगाकर दूसरे NRIs को कॉन्टैक्ट करता है, कहता है कि मैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कलेक्ट कर रहा हूं और डोनेशन की जरूरत है। ये लोग काफी स्मार्ट होते हैं और कैजुअल कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं और फिर डोनेशन लेने के बाद नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ये सारा वॉल्यूम गेम है, सिंपथी गेम है। हम खुद को जितने ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ये स्कैमर्स उससे भी ज्यादा स्मार्ट हमारी सिंपथी का गलत फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में कई लोग हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहे हैं और सच तो ये है कि जब कोई अपना हॉस्पिटल में सांस लेने के लिए तड़प रहा होता है तब हम हमारा सारा रैशनल पीछे छोड़ देते हैं, दिमाग से नहीं दिल से सोचने लगते हैं, जहाँ कहीं होप दिखे वहाँ पर आंखों पर पट्टी लगाकर चल देते। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। हमारा देश कोविड नाम के एक वायरस से तो लड़ ही रहा है लेकिन साथ ही साथ ये स्कैमर्स भी हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करने वाले वायरसेस ही हैं।
ये वो पैरासाइट्स हैं जो हमारे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। जानबूझकर ऑक्सीजन होल्ड कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, भारत की कोविड के अगेंस्ट लड़ाई प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हर वायरस के लिए कोई ना कोई एंटीवायरस होता है। इस वायरस का एंटीवायरस आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, सही नॉलेज से, सही इन्फॉर्मेशन से इस पैंडेमिक से लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। जो सिर्फ अच्छे इंटेंशन से नहीं, सही एक्शन से मदद करना जानते हैं। और आप में से हर एक को उस एंटीवायरस का हिस्सा बनाने से मुझे और पूरे देश को फर्क पड़ता है। Hey STM, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।